आदाब नाज़रीन, मैं अखिल खान और आप देख रहे हैं अंगारे न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। मेरा नाम गोपाल है, हैदराबाद सिटी चेयरमैन बीजेपी मजदूर मोर्चे से हूँ। ये जो जीएचएमसी के पार्क सेक्शन में लेडीज है, लेबर है, उन लोग माली बोलते हैं। तकरीबन 4 महीने से इन लोगों का तनख्वाह नहीं है ना, क्या खाएंगे, घर का किराया क्या बनेंगे। तनख्वाह बहुत कम है, असल में इनको देने का तनख्वाह 15,600 रुपये ESIPF जाने के बाद 13,600 रुपये देना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर और ऑफिसर दोनों मिलके इनके मेहनत की कमाई को बांट ले रहे और इन लोगों को 5,000-6,000 पैसा दे रहे। देना है तो ये तनख्वाह लो, नहीं तो तनख्वाह ही नहीं देते तुम्हारे को। 4 महीने से रोके रखे, और हम दसरा से पहले अशोक साम्राट साहब भी है, जोनल ऑफिसर, जोनल कमिश्नर को बोले, नहीं भाई सेटल कर दूँ बोल के दिवाली से पहले मेरे को मैसेज लगा है, बाद दिवाली के बराबर सेटल करेंगे बोल के, बाद दिवाली के कल बोल रहे, आज आए तो फिर मेयर साहब करें मीटिंग के बोल के चले गए। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सुबह होने से पहले ये लोग आके जो पार्कों में काम करते हैं, सैनिटेशन का काम करते हैं, पूरा हैदराबाद सोए हुआ रहता है, जब ये लोग मुंह में पानी नहीं डालते वैसा आके काम करते हैं, ऐसे गरीब लोगों को इतना बड़ा तकलीफ दे रहे हैं। मैं भाई कमिश्नर साहब और जोनल कमिश्नर साहब पी आई की बोल रहा हूँ, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर जीएचएमसी में पार्कों में है, ये कॉन्ट्रैक्टरों का एक विंग है, ये रिंग को हटाओ, पुराने रिंग को, ये सब एक ही कॉन्ट्रैक्टर है, एक ही रिंग है, इन लोगों को हटा के इन लोगों को जैसा ग्रुप्स करे, लेडीज का जो सैनिटेशन वर्क है वैसा ग्रुप्स करके इन लोगों के साथ इंसाफ करो बोल के मैं कमिश्नर साहब लोकेश कुमार साहब को, हमारे अशोक साम्राट साहब को बोल रहा हूँ, यही हमारा डिमांड है। एट द सेम टाइम मलकपेट वर्कशॉप में जितने भी काम कर रहे वर्कशॉप में जो मैकेनिक, फिटर, लेबर, कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्सिंग के बच्चे है, उन लोगों को हर महीना 15 तारीख 20 तारीख को तनख्वाह दे रहे, नाइन्थ है आज, उन लोगों को सैलरी भी नहीं आई। वो एजेंसी का नाम सुमति है, मैंने असल फोन ही नहीं उठाया था, ना ऑफिसर का उठा था, ना लोग अपने जोनल कमिश्नर का उठा था, ना किसी को जवाब ही नहीं देता। मैं एक ही बोल रहा हूँ कि हमारे जोनल कमिश्नर साहब से इमीडिएटली वो एजेंसी जो सुमति है उसको इमीडिएटली कैंसिल कर दो, यहाँ से भगा दो उसको। उन्हें कभी भी उसको अग्रीमेंट में क्लियर रहता कि पहले उन्हें सैलरीज देना, उसके बाद जीएचएमसी उसको बिल देगा, लेकिन उन्हें बिल दिए तो बिल रख ले के 15-20 दिन के बाद देता। इमीडिएटली ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्टेड करना, और जितने भी सैलरीज के इन टाइम में नहीं आ रहा उन लोगों के वास्ते जोनल कमिश्नर साहब जिम्मेदारी लेके इन टाइम में दिलाना बोल के कमिश्नर साहब से मैं ये मीडिया के वजह से मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पर पूरा रोक देंगे हम ना, यहाँ से लेके 4 महीनार तक पूरा काम हम रोक देके बैठ जाएंगे, अवाम को बहुत पब्लिक बहुत परेशान हो जाएंगी। देखो मैं इमीडिएटली बोल रहा हूँ, कल ये टाइम ना ये लेडीज जितने भी उन लोगों को सैलरीज आना और जितने वर्कशॉप में उन लोगों को पूरों को सैलरीज आना, नहीं तो पूरा काम रोक देंगे।